विकास को लेकर क्या कहना चाहेंगे? हर प्रत्याशी फील्ड में घूम रहे हैं, कैसा होना चाहिए हमारा पटना और हर वार्ड कैसा दिखना चाहिए? देखिए, चुनाव आता है तो बड़ी प्रत्याशी हो जाता है, चुनाव खत्म हो जाता है तो प्रत्याशी को नजर नहीं आता है। सुख में दुख में, चुनाव रहे या न रहे, कोई दिक्कत है, हॉस्पिटल है, थाना है, ब्लॉक है, या कोई जनता का समस्या रहता है, उसके लिए मुकेश जी जो है तत्पर रहते हैं। 10 साल से लगे हुए व्यक्ति, गरीब आदमी है, गरीब इनके साथ है, हवा वाला राजनीति नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रिया वर्मा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, नगर निकाय चुनाव होने जा रहा है और सभी प्रत्याशी फील्ड में लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। हमारी टीम भी पहुंच चुकी है पटना नगर निगम वार्ड संख्या 31 में और हमारे साथ ममता साहू जी हैं, जो वार्ड पार्षद प्रत्याशी हैं। वो कैसे विकास करेंगे, कैसे जनता को खुश करेंगे, ये तो चुनाव के बाद ही देखा जाएगा। हमारे साथ जनता भी है, जनसंपर्क कर रही है, गली गली जा रही है। हम जानना ये चाहेंगे कि क्या बदलाव की जरूरत है। तो चलिए, हम कुछ जनताएं हैं यहाँ पे, हम उनसे बात करते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस चुनाव को लेकर? ममता साहू जी गरीबों की बच्ची की शादी में अपने कमेटी हॉल दे करके उसमें बहुत बड़ा सहयोग करते हैं। कोरोना काल में कोई दुख विपत्ति में भी हर एक जगह से जो है ना वो हेल्प करते हैं। और गली का नाला वगैरह चैम्बर टूट गया तो तुरंत मतलब कहने पर तुरंत उसका जो है ना निदान करते हैं। और बहुत सभ्य आदमी है, कोई तरह का किंतु परंतु उनमें नहीं है। आगे आप ममता साहू से क्या चाहते हैं कि वार्ड में जब जीत के आएंगे तो वो क्या बदलाव करेंगे? जीत के आएंगे तो और मतलब काम को विकास करेंगे, जो काम अच्छा काम कर रहे हैं उसको और मतलब पावर मिलने पर और विकास करेंगे। चलिए, हम और भी कुछ लोगों से बात करते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे बाबू? नहीं, ये तो ममता साहू बहुत अच्छा है और मैंने काम कर रही है, बहुत सारा मैंने हमारा भी बहुत सारा काम किए हैं वो, जो मैंने श्रम कार्ड बनवाए। क्या लगता है जीत के बाद जब ये आएंगे तो क्या विकास करेंगे? हाँ, मैंने ऐसा लग रहा है कि जीतने के बाद और ज्यादा विकास करेंगे। चलिए, जीतने के बाद और भी बदलाव करेंगे। सभी लोग का कहना है कि ममता साहू जो हैं हमारे लिए तत्पर रहती हैं और आने वाले समय में और भी विकास करेंगे। और भी कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या होना चाहिए हमारे पटना में और हर वार्ड कैसा दिखना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? मुकेश साहू, ममता साहू हैं जो भी नली चमर न भी अभी जीते हैं तो भी मैंने बुला देते हैं, नली चमर तरफ बन जाता है और कचरा भी साफ हो जाता है। फील्ड में बहुत सारे प्रत्याशी आएंगे, आप किसका चुनाव करेंगे, विकास करने वाले का या विकास नहीं विकास करने वाले? ममता साहू जिंदाबाद। सभी लोग का देख रहे हैं, यहाँ बहुत सारी जनताएं हैं, ममता साहू का नारा भी लगा रहे हैं, वार्ड में भी घूम रहे, और भी कुछ लोग से बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी, मुकेश साहू और ममता साहू जो ऐसे व्यक्ति हैं, पिछले लॉकडाउन हुआ चाहे जल जमाव हम लोग के यहाँ बहुत ज्यादा हो गया था, आप लोग भी न्यूज जलाएं तो देखेंगे कितना जल जमाव कंकड़ बाग में था। उस बीच भी लोग रोड पे आए, अब बहुत सारे ऐसे सामग्री जो वितरण किए जिसको जरूरत है, गरीबों को तो जरूरत पड़ता ही है, अमीर तो खैर उसके पास है तो वो अपना कर लेगा जुगाड़, लेकिन जो निचले लोग हैं उनके पास नहीं हो पाता था तो ये लोग को देखते थे, हम बांटते थे। बहुत अच्छा लगता था कि जब उस समय ऐसे हाल में सपोर्ट कर रहे हैं तो क्यों नहीं लोग बनेंगे तो जरूर ही करेंगे अच्छा काम। धार्मिक काम भी इधर किए थे, बहुत अच्छा लग रहा था कि यात्रा निकाले थे, शोभा यात्रा बहुत हजारों की भीड़ था, लग रहा था कि कहाँ से इतने लोग आए, आखिर उनके प्रति है तो ना लोग इतना आए। जी, सभी लोगों का ये मदद करते हैं अपने वार्ड में, कोरोना काल में भी जितनी भी समस्याएं थी उन पे भी, जितने भी जनता का प्रॉब्लम होता है ममता साहू उनके लिए खड़ी रहती है, क्या कहना चाहेंगी मैम? जी, हमारी समाज सेविका ममता साहू जी बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम है। जैसे कि ये गरीब बच्चों की, किसी की जलन हो या किसी की तबीयत खराब हो, हॉस्पिटल हो, ये सब को जहाँ तक हो वहाँ तक हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। या राजा उत्सव हॉल में किसी गरीब की बेटी की शादी हो या कुछ भी हो उसमें भी वो सहयोग करते हैं, अपनी इधर से जितना भी हो वो वहाँ तक करते हैं। कोरोना काल में भी उन्होंने बहुत बहुत वही गरीब महिलाओं को खाना पैकिंग करके घर घर दिया है, मतलब अब वो सब तो है भी, वो सब लोग जानते भी हैं, तो बहुत इन्होंने मदद किया है, बहुत इन्होंने मदद किया है। महिलाएं जितनी भी है उनका भी मदद करती है, पुरुष का भी मदद करती है, और भी लोग से बात करते हैं, हम क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूंगा, मैं तो यहाँ का मतलब की राजनीतिक में बचपन से ही देखते आया हूँ, यहाँ पे मतलब की जब चुनावी टाइम आता है तो बहुत सारे नेता यहाँ पे उपस्थित हो जाते हैं, लेकिन जब पब्लिक का कोई भी समस्या होता है तो समाधान करने के लिए कोई नहीं आ पाता है,
तो हमने देखा है कि पिछले टर्म मुकेश सा खड़ा हुए थे, लेकिन कुछ वोटों से हारने की वजह से, मतलब कि हार तो गए थे लेकिन उसके बावजूद भी ये पांच सालों तो मतलब कि जनता के बीच में लगे हुए रहते हैं। तो मतलब कि विकास भी करें, क्योंकि जो व्यक्ति मतलब कि हारने के बाद भी पांच साल तक जनता के बीच में रहकर काम कर सकता है, वो जीतने के बाद और क्या नहीं कर सकता, उससे बढ़ कर कहीं करेगा। तो मैं यही अपील करूंगा कि एक ऐसा नेता चुनिए कि जो मतलब कि आपके हर एक समस्या का मतलब कि समाधान करे। आप उनको 24 घंटा में किसी भी टाइम आप उनको फोन करें तो आपके लिए उपस्थित कॉल में आपके पास आ जाते हुए ऐसा नेता। तो मैं चाहूंगा कि इन्हीं को मतलब कि वार्ड 31 इनको जितवाना चाहिए। चलिए और भी लोग से बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे मैम? मेरा नाम ममता देवी है, ममता साहू है, वार्ड नंबर 31 है, समाज सेवी हूँ। जनता आपके सामने है, बहुत सारे बोल रहे हैं कि आप जितने भी समस्याएं जनता का होती है उनका सारा निदान आप करती हैं, ठीक है? क्या जीत के आने के बाद भी करेंगे? जी हाँ करूंगी। और क्या करेंगे अपने वार्ड में? मैं अपने वार्ड में नाला है, चंबर है, रोड है, लाइट है, ये सब करूंगी। आए दिन जो होता है, बहुत सारे लड़के होते हैं शराब के नाम, तो आप सुन ही रहे हैं शराब बंदी चल रहा है, उसके बाद भी अब स्मैक आ गया जो बहुत ज्यादा चल रहा है, हो सके आपके भी वार्ड में जो है गली गली में लड़के घूम रहे हो, लड़कियों को, उसके लिए महिलाओं के लिए क्या सुविधा करेगी आप? इसके लिए कुछ महिलाओं के लिए हमने देखा है कि एक टीम बनाए है जो पिछले 18 साल के बच्चियों से कम एज का हो और एक 30 साल के एज का मैंने महिला जो हो, कि इस तरह का कोई भी गली में अगर हो तो हम उसको निरीक्षण खुद करवाएं। और उसके अलावा आप कंकड़बाग थाना से पैनल को जुड़वाए हैं, 30 महिला को एक टीम बना दी है कि हर क्षेत्र में अगर किसी तरह का महिला का शोषण हो रहा है तब बच्चियों के साथ अगर 15 साल के साथ छेड़खानी हो रहा है तो उसके लिए टीम गठित की है 15 साल के बच्चों का, वो भी 30 लोगों का टीम है, 30 महिलाओं का टीम है और 30 बच्चियों का भी टीम है, जो पूरे वार्ड नंबर 31 में नहीं कंकड़बाग थाने के अंतर्गत ये 60 लोगों का टीम बनाया है। और थाना प्रभारी से ये माननीय नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई है, थाना प्रभारी को लेकर हम लोग एक टीम बनाए हैं, जिसके कारण से आज हमारे क्षेत्र में नशा का प्रभाव कम है, लेकिन उसको और कम करने की प्रयास की जाए। पहले अभी 100% था, 80% हुआ है, हम लोग जिस तरह से चल रहे हैं प्रयास करेंगे कि नशा मुक्त वार्ड बनाए, क्लीन बनाए और ग्रीन बनाए। और हम लोग का यही प्रयास है कि अभी सबसे पहला जो हम लोग ये मैनिफेस्टो में दिए हैं, मैनिफेस्टो दीजिए, तो अभी आपने सुना कि ये किस तरह से समस्याओं का सेवा करते हैं और देखना ये चाहते कि इनके संकल्प पत्र में क्या क्या है। मैनिफेस्टो में हमने कोरोना काल हो या गाय को जला दिया था, गौ माता को देख रहे हैं करबिगहिया में, मैंने 3 गायों को निर्भर हत्या की गई इसको कह सकते हैं, मैंने उसमें भी बढ़ चढ़ के भाग लिया। भागवत हो या रक्तदान हो या श्रम कार्ड हो या लेबर कार्ड हो, या आप देख सकते हैं कि ये कई सारे चीज है जो स्वच्छ भारत को बनाने का सपना है। यहाँ 1000 गली है जिसमें आप कह सकते हैं ये 2 लाख की आबादी है और यहाँ वोटर मात्र 40,000 है, लेकिन ये 2 लाख की आबादी में आप देख सकते हैं कि ये 2 लाख की आबादी में हम लोग को 40 मिलेगा, ठीक? तो हम लोग इसको संख्या बढ़ाएंगे और 50 ऐसे गलियों हैं जिसमें हजारों ट्रक वार्ड नंबर 31 से कचरा निकालने का प्रयास करेंगे। जीत जाने के बाद सबसे पहला मेरा काम है कि जो इतना भी गली में कचरा है उसको निकालेंगे, जो चैम्बर हजारों चैम्बर जो खुली हुई है उसको ढक्कन का काम करेंगे, चैम्बर जो मरम्मत है वो मरम्मत होगी, जो रोड पिछले 20 साल से विकसित है, मतलब जिसको कह रहे हैं कि पिछड़ा है समझ जाइए, अभी पटना शहर में वार्ड नंबर 31 में पटना जंक्शन से 2 किलोमीटर की दूरी है और उसको आप देख सकते हैं कि गाली नहीं है, नाली नहीं है, रोड नहीं है, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण की बात है कि वार्ड नंबर 31 में ही ये सब सुविधा नहीं है। तो हम लोग विकास की ओर ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ने का काम करेंगे, अभी भी स्वच्छ भारत बनाने का जो सपना है वो स्वच्छ भारत पर हम कैसे बनाए, क्योंकि हर प्लॉट में कचरा है, जब तक हम हर प्लॉट से कचरा को नहीं निकालेंगे तब तक हम स्वच्छ भारत की ओर नहीं बढ़ेंगे। तो भारत माता की, भारत माता की। आपने देखा कि सारे जो ममता साहू के नारे लगा रहे हैं और इनके संकल्प पत्र में बहुत सारी ऐसी हैं जो अपने वार्ड में 31 नंबर वार्ड में जितने भी काम है, जितने भी समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए अगर ये जीत के आते हैं तो उनका निदान जरूर करेंगे और समस्याएं जितनी भी है जनता की उनका भी पूरा करने का कोशिश करेंगे। इन्हीं के साथ आप बने रहे नेशन 24 के साथ, मैं प्रिया वर्मा, नमस्कार।